हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। अभी मैं सुबह उठा था 5 बजे, मैंने क्लास ली थी और फिर मैं क्लास लेके वापस सो गया था। मैं रात में 2 बजे सोया था, तो बहुत लेट सोया था। 4:30 का अलार्म था तो मैं उठ गया था, लेकिन फिर मैं थोड़ी देर वापस सो गया और अभी उठा हूँ जस्ट। आज गुल्ला चल जाएगी, अपने ससुराल वापस चल जाएगी, और उसके पैर में मूंछ भी आ गई थी कल। पापा को भी रात में थोड़ा सा बुखार चढ़ गया था, तो उनको डोलो वोलो दी थी, वो देके सुलाया था। इयर्स ओल्ड था ना, तो उसकी टीचर की है ना माँ की डेथ हो गई थी, तो है ना, तो वो है ना चुपचाप बैठा, मैथ्स टीचर की, तो वो चुपचाप बैठा रहता था पूरे टाइम। तो उसकी है ना मैथ्स टीचर आ गई स्कूल, है ना, फिर है ना उसकी, उसने ना अपनी मैथ्स टीचर को उस नाम से पुकारा जो उसकी माँ बुलाती थी उसको सिर्फ। हाँ, और ऐसे बोलता है कि मैं ठीक हूँ और अगर तुम्हें रोना है ना तो तुम रो लो, ऐसे बोला। फिर वो मैथ्स टीचर शॉक्ड रह गई कि 8 साल का बच्चा है, इसलिए ऐसे बोल पा रहा है। फिर उस टीचर ने मतलब उसको समझाया कि तुम्हारे पास पावर्स है, और उसको है ना बहुत आवाज़ें सुनाई देती थी। मम्मी मेरे को मूंगफली देके गई है। अभी मैं गुल्ला को हॉस्पिटल लेके जा रहा था उसके कुछ टेस्ट वगैरह कराने के लिए, तो मम्मी बोली कि नहीं पहले ये मूंगफली पकड़ के रख, पहले विटामिन ए दूंगी और फिर मूंगफली दूंगी। अब खा ले मूंगफली। कुलचे, छोले कुलचे खाते ना आप? छोले कुलचे बाद में, भाई भयंकर गर्म हो रहे हैं। तो ये कौन कौन सी दवाइयां हैं बताओ तो दे पापा को। अरे मैंने दो रख रखी है, कुछ खाएंगे फिर लेंगे। आंटी ने बहुत मेहनत से निकाला है, आज तो निकल ही नहीं रहा था। बहुत पीछा है ना दारू, सेहत का भी पूरा ध्यान रखते थे, एक ग्लास दूध जरूर पीते थे गाय का है दारू पीने के बाद। सेहत का भी पूरा ध्यान रखते थे। गुल्ला वो दवाई कैसे लेते थे? घनश्याम मामा दारू के साथ दवाई लेते थे। कुछ केसेस इंडिया में पहले होते हैं, जैसे घनश्याम मामा दवाई दारू के साथ लेते थे। अंकिता के चाचा स्कूटर पे ड्राइवर रखते थे। क्यों? क्योंकि उनको स्कूटर ड्राइव करने पे जोर आता था, तो स्कूटर जैसे जैसे बोलते थे अरे यार आज तो ड्राइवर नहीं है, लेट हो गए। ड्राइवर आता था स्कूटर पे। हुई तो थी लेकिन साइकिल को कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छी बात है। तूने वो लगाया भी? ये पेंट नहीं है, ये वो है जिसे जंग नहीं लगेगी। रस्ट पेंट। गाइस दिस इज रामबाग पैलेस। आज बहुत ज्यादा भीड़ लगी है तो मौका मिला है दिखाने का। ये रामबाग है, ये 7-स्टार प्रॉपर्टी है और यहाँ पे बड़े बड़े लोगों की शादी होती है, जो भी डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ना बड़ी बड़ी। सुपर रिच तो उदयपुर में करते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सुपर रिच लोग करते हैं। जयपुर में भी करते हैं बट यहाँ भी बहुत लोग करते हैं, पार्टीज करते हैं, मतलब रॉयल फैमिली पार्टीज करती है, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं उनकी पार्टीज में। एक्चुअली रॉयल फैमिली का ही है, तो वो नहीं करते, वो हेरिटेज पे आधा दे देते हैं होटल में और आधा उनका होता है। हाँ, और सेंट्रल पार्क से हम चक्कर काटते हैं ना, तो इसका पीछे दिखता है, मतलब क्या दिखता है इसका? पिछवाड़ा। तो लड़ाई हो गई, अब देखते हैं क्या होगा। लड़ाई हो गई, अरे मारपीट करो, हाथापाई करो, क्या बातें कर रहे हो। बोले कबीर सिंह देख रहे, लड़ाई देख ली जल्दी। गलती कर दी, भगवान को यूज करके कितना अच्छा है ना वो निकलना। एक आदमी छोड़, कितनी गाड़ियों में से कितने लोग गुटका ही थूके जा रहे हैं। मैं तो इतनी देर से ट्रैफिक में है ना, मैं यही देख रहा हूँ कि सब अभी इसमें से थूका, अभी उसमें से थूका, अभी पहले उसमें से एक थूका। तो गाइज बैक टू ड्राइवर वाली जिंदगी। ये तो अच्छा हुआ कि मम्मी अब गाड़ी चला लेती है, वरना गाइज पहले तो मैं बिल्कुल ही ड्राइवर बना हुआ था मेरे घर का, मतलब किसी को यहाँ से वहां भी जाना होता था ना। मेरे को याद है मेरी आधी जिंदगी तो कार में ऐसे बैठे हुए निकली है, कम से कम मेरी लाइफ के 10 साल तो ऐसे बैठे हुए निकले गाड़ी में, और आज बहुत दिनों बाद वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो नॉस्टैल्जिक मोमेंट है मेरे लिए। क्या हुआ? सब नॉर्मल आया, उसने भेज दिया। सब नॉर्मल मतलब क्या बोली? वो बोली वेट कम करो अपना, चिकनाई मत खाओ, बाहर का मत खाओ। तो ये सब तो मैं भी बोलता हूँ तेरे को। But तू डॉक्टर है? Do you have a degree? Why should I believe you? But मैं आज मेरे समझ में आ गया, मेरा इंटेलेक्ट बिल्कुल डॉक्टर का है, डॉक्टर। Okay. So do you know what is 3-3-T-4 hormones? Yeah, I know. What are they? Total. इनसे स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाता है। वो तो प्रोलैक्टिन था। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देखी, नहीं 1620 रुपए की मेरी रिपोर्ट करवा दी ना, फिर उसने देखी, फिर she was shocked. क्या? How can everything is normal? What dawai should I give her? Everything is fine. Thank you God. Thank you God. Okay, God is giving me laddu. क्या खा रही है? लड्डू।
ये हमारे घर की जो छोटी बच्ची है इसके लगी और हम डॉक्टर से आए, तो अब मैं इसमें ज़ारा लेके जा रहा हूँ। जैसे बोलते हैं नहीं छोटे बच्चों को डॉक्टर से लेके आते हैं तो फिर हम उसको टॉफे दिलाते हैं, वैसे हमारे घर की जो छोटी बच्ची है उसको हम ज़ारा में शॉपिंग करवाएंगे। पाँव पे लगी है इसके। देखिए इस लिफ्ट में आके है ना अपन ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं जाएंगे, अपन सीधा दुबई पहुंचेंगे। क्या क्या बंद हो गया यहाँ पे बुल्ला? तेरे को सब पता होगा, एक दुकान पता होगी कौन कौन सी कहाँ पे थी। क्या था? सिफोरा। बुल्ला जा नहीं रहा इससे लंगड़ी से और इसको दारा में आना है। यही है अब हमारे हाथ में गुल्ला का ये आईफोन प्रो मैक्स आ गया है। नेक्स्ट व्लॉगिंग क्लिप इसी के फोन से आएगी, तो लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है दोनों में। हाँ मतलब जो भी होगा बट नोटिसेबल डिफरेंस तो होगा ही। क्या पसंद आया? तो पसंद आया ये पसंद आया ज़ारा में। प्लीज तूने मास्क क्यों पहन लिया? मैंने मास्क क्यों पहन लिया? अरे भगवान। तो गाइस मैं बता देता हूँ ये शॉपिंग क्यों की जा रही है। ये इसको एक्चुअली इसके ऑफिस की तरफ से किसी चीज का अवार्ड मिल रहा है कुछ, तो क्या मिल रहा है गुल्ला? एस अवार्ड मिल रहा है। तो ये अवार्ड लेने जाएगी तो उसकी शॉपिंग कर रही है ये बेसिकली। फालतू की चीज है मतलब, लेकिन इसके पास बथेरे कपड़े होंगे लेकिन फिर भी ये इसको खरीदनी है। तो गाइस की वुडेड लुक नाइस। गाइस आर सेइंग नो, यू आर द गाइस। प्लीज गुल्ला नॉट लाल बादशाह। Okay. तो लाल बादशाह पसंद आ रहा था। ये रणवीर सिंह के कपड़े पसंद आएंगे तेरे को? गुल्ला ये ले ले। जैसे अगर ये सर्कल हो ना, हाँ, तो ये कपड़ा कम चलेगा। अगर ट्रायंगल हो तो उससे ज्यादा, और अगर स्क्वायर हो तो बहुत ज्यादा चलेगा। अच्छा ये सब होता है? कम चलेगा मतलब कि फेड हो जाएगा कप या फट जाएगा ऐसा? लॉन्ग लास्टिंग टाइप ऐसा भी होता है? ये तो आज खुद चलता है। क्या तूने कुछ नहीं खरीदा? नहीं। चल फिर चलें अब। ऑफिस का टाइम हो गया तेरा? हाँ। चल तो चल। तो फिर अब तू क्या पहनेगी अवार्ड में? मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी। अच्छा आजा दुबई के टेलीपैथी से चलते हैं। यू स्टिल लिखा है? अरे कहाँ लिखा है? तो एज यूजुअल दुनिया भर का टाइम वेस्ट करने के बाद और दुनिया भर का ट्राई करने के बाद और सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं लिया। मुझे एक पैंट पसंद भी आई थी बट है ना उसकी, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था उसका एक साइज छोटा लू या एक साइज बड़ा लू। क्यों? तो ट्राई करके देख रही थी ना। हाँ। तो समझना क्या है ना, बड़ा छोटा कर लिया। मुझे बस पता लग जाना चाहिए उसे देख कर कि इसका छोटा साइज भी है बड़ा। लगता है मुझे छोटे साइज का ही रहा था फिर भी। तो दोनों ले जाएगा ना? मूड नहीं हुआ। ये ले तेरा फोन। थैंक यू सो मच। गाइस गुल्ला इज गोइंग होम। अब जा रही है। कितना है? अरे यार इसमें शिट आ ही नहीं रहा यार। मैं भी चलता है इसको स्टेशन छोड़ने पर। मेरा बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है और पापा की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, तो मम्मी जाएगी फिर। चलो मैं भी चलता हूँ, आ जाओ। पता लग गई कौन सी है? चल बाय। बाय भी नहीं करती, कितनी गंदी झंड करके गई है मेरी। जल्दी मैं भी, ये लोग, मैं बोल तो रहा था मैं आऊंगा नहीं पर मैं आ गया। मैंने सोचा कि कार में बैठ जाऊंगा। गाइस हमारे घर के सामने एक नाना जी रहते हैं, मतलब हम उनको नाना जी बोलते हैं। उनका बर्थडे है आज, तो हम जा रहे हैं अभी उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने। हमको याद जस्ट अभी आया मेरे को मम्मी को कि उनका बर्थडे आज, तो हम फिर माला वाला ली और मम्मी ने फूल वगैरह लिए और अब हम जा रहे हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नाना जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ट्विंकल, ये ट्विंकल है?